प्रधानमंत्री राजघाट पहुंच चुके हैं। एक बड़ा लोगों में दिलचस्पी हर साल रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासतौर से 15 अगस्त पर उनका हेडगेयर जो होगा, जो सर पर वो किस तरीके के साफा होगा, रंग किस तरीके का होगा उसका, उस पर बड़ी लोगों की एक रहती है उत्सुकता। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई जो पड़ रहे हैं पीले और केसरी रंग से मिला हुआ जो साफा उन्होंने पहना हुआ है, और उसके साथ अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर वो पहुंच गए हैं। यहां से अब कहा जाए तो औपचारिक तौर पर पूरे कार्यक्रम की शुरुआत आज की हो गई। With offerings of gratitude and reverence here at Rajghat, the Prime Minister taking these feelings will now move towards Red Fort for the flag hoisting and his address to the nation. बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू के संदेश और विचारों की विशेषता ये है कि आज की दुनिया में वो और भी प्रासंगिक हो गए हैं। बापू ने एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था जिसका हर गांव स्वावलंबी हो। बापू कहते थे कि वो भारत का उत्थान इसलिए चाहते हैं ताकि सारी दुनिया उसका लाभ उठा सके। सो एज वी सेलिब्रेट आवर 77th इंडिपेंडेंस डे टुडे, वी ऑल्सो नो दैट दिस हैज बीन अ वेरी स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल स्टेज। तो ये तस्वीरें अभी देखिए आपने दर्शकों, यहाँ पर प्रधानमंत्री राजघाट से अब रवाना हो चुके हैं बापू को श्रद्धांजलि देकर।